तो वैष्णो देवी की यात्रा अभी हमें बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कोरोना टेस्ट, ठीक है। तो ये पर्ची मिल रही है और ये पर्ची अभी मैं बताती हूँ कहाँ से कटवानी पड़ती है और फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है। और फिर टेस्टिंग हो रही है, मतलब प्रॉपर वे से, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा खतरे में डाल दिया जाए, अच्छे से प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। एक मिनट, पड़ती है पर्ची, फिर उसके बाद वहाँ पर हो रही है उसकी टेस्टिंग, लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है। और यहाँ पर बाकी आप चाहो तो चाय पी सकते हो, नमकीन खा सकते हो, वट एवर जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। मेरी रिपोर्ट जो कि है नेगेटिव, मतलब अब मैं आगे जाने के लिए सक्षम हूँ। यहाँ से होगी अब हमारी मतलब यात्रा शुरू वहाँ तक के लिए, वैष्णो देवी की। तो फिर अब हम मन्नत मांगेंगे बिल्कुल भगवान से, मैं आप लोगों के लिए मांगूंगी कि सबके लिए, हम सबके लिए ये जो साल है 2021 बहुत अच्छा जाए ना। 20 में तो बहुत सारी यादें थी जो बेकार भी थी, कुछ अच्छी भी थी। तो 2021 हम सबके लिए अच्छा जाए, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, जल्दी से सबकी जॉब लग जाए। तो चलते हैं ओके, और चाय ना हो, और ये गर्मा गर्म चाय बनती है। पीछे ही हमारी बस जिससे हम आए हैं, और सुबह की चाय खड़ी है मेरी बस जिससे मैं आई हूँ, और ये सुबह की मेरी चाय, गर्मा गर्म चाय। ये जम्मू से कटरा तक अभी भी मैं जम्मू कर सकती हूँ, यहाँ से जाएंगे हम कटरा, फिर वहाँ से होगी वैष्णो देवी की चाय। कटरा में अभी मतलब बस वाले ने यहाँ पर उतारा, और ये देखो आपको मेरे पीछे ना पहाड़ दिखेगा, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और अभी हम यहीं पर चढ़ाई करने वाले हैं। जय माता दी। तो जय माता दी, यहाँ से होगी हमारी शुरुआत। वो जो ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को, वही है माता जी की चोटी, तो हमें वहाँ ऊपर पहुँचना है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, अगर दिखे ये इस वाली चोटी पर हमें पहुंचना है। तो करते हैं दर्शन माता रानी के, होते रास्ता शुरू। या तो आप चाहो तो ये सीढ़ियों वाले रास्ते से जा सकते हो, सीढ़ियाँ भी हैं, और अगर आप चाहो तो यहाँ प्लेन से भी जा सकते हो। वैसे हेलीकॉप्टर भी है, खच्चर भी है, पालकी भी है, बट मैं पैदल जाऊँगी और प्लेन वाले रास्ते से। सीढ़ी में साढ़ी में मज़ा आता है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो सीढ़ी तो नहीं, हम जाएंगे प्लेन से। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो 1 किलोमीटर के लगभग चढ़ चुके हैं हम, शुरू शुरू में जोश रहता नहीं, आज तो पूरी चढ़ाई कर देंगे, 1 किलोमीटर के बाद पता चलता है नहीं भाई तुम वही हो। कभी धीरे धीरे करते रहेंगे, खाती पीती रहूँगी, चढ़ाई करती रहूँगी, यहाँ खच्चर भी हैं, बट नहीं, पैदल का अपना मजा है। जय माता दी। यहाँ लग गई है मुझे भूख, अब थोड़ा सा मेरा यहाँ पे डिनर, छोटा वाला डिनर टाइम हो रहा है, बाकी मैं दर्शन करने के बाद खाऊंगी। चाय, मेरी फेवरेट चाय मिल गई यहाँ पर, चाय बहुत टेस्टी है, और यहाँ पे सांभर बड़ा लिया है, ये फ़ायदा करेगा,
एनर्जी लाएगा। वैसे तो एनर्जी माता रानी ने बहुत दी रखी है, तो जय माता रानी। बिल्कुल मैं आप सभी लोगों की तरफ से भी माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता रानी। दिख रहा है, देखो ये रहा भवन, यहीं तक हमें जाना है। तो पहले भवन चढ़ेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर ऊपर भैरवनाथ। तो चलते हैं। क्यों फाइनली ये रहा माता का भवन, दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ी देर में वहीं पर पहुंचने वाली हूँ, फिर मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। पता नहीं अंदर शायद अलाउ ना हो। तो जय माता दी, जय माता दी। लाइन बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी लाइन थी। लेकिन फिर सामान जमा करवा के फिर लाइन में लग के तो दर्शन हो गए। वहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा ले जाना, वरना मैं आपको दर्शन करवा दी। बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मैंने माता रानी से हम सबके लिए मांगा कि 2021 बहुत बहुत अच्छा चले। तो अब यहाँ से वापसी करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे लोग हम लोग वापसी। तो बस जय माता दी। तो दर्शन हो चुके हैं और अब मैं नीचे मतलब उतर रही हूँ कटरा की तरफ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि अभी सुबह तक पहुँच जाऊँगी मैं, फिर निकलेंगे अपना दिल्ली। बस मेरा मन था यहाँ पे ना कुछ बताने का, कुछ चीज़ें बताने का जिसकी तारीफ़ बनती है। यहाँ पे आपको हर जगह पानी मिलेगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अलग अलग, मतलब ठंडा पीना है ठंडा है, नॉर्मल पानी है और गर्म पानी है। मतलब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पानी के लिए इधर उधर जाना पड़े या एक एक दो दो किलोमीटर में पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं। हर 500 मीटर के अंदर पानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही में यहाँ जो खाना है, खाने की अगर मैं बात करती हूँ, इतना टेस्टी खाना। और कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में सब इक्वल होते हैं, समान होते हैं, वो चीज़ है। मतलब आपको 25 रुपये में 35 रुपये में पेट भर खाना मिल जाएगा बहुत आराम से, सबके लिए इक्वल। और चाय नॉर्मली अगर आप पीओ 10 रुपये की होती है, ठीक है। चाय मेरी फेवरेट है इसलिए मैं उसके बारे में बताऊँगी। यहाँ पे चाय 7 रुपये की, ठीक है, और इतनी टेस्टी चाय, मतलब बहुत अच्छी चाय थी। कॉफ़ी मतलब बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा, अगर आप मतलब 500 रुपये हैं आप आराम से आ सकते हो जा सकते हो, मतलब खाना पीना बहुत सब कुछ अच्छे से करके। प्रसाद की बात करते हो तो प्रसाद अभी माता रानी को जैसे चढ़ नहीं रहा है, केवल मतलब नारियल रख देते हैं, नारियल का टोकन वोकन मिल जाता है। और छत्र वगैरह आप लेकर जा रहे हो, चुनरी चढ़ रही है, हाँ चुनरी चढ़ के आपको मिल जाती है वापस। बाकी अभी प्रसाद नहीं चढ़ रहा, प्रसाद वहाँ पे बस टेक कर आपको वापस दे देते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कोविड से बदली हैं, अदरवाइज़ तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत बहुत अच्छे से हुए। पैर थोड़े जम गए थे मेरे भले ही, क्योंकि ठंडी बहुत ठंडी है, फिर वहाँ पर शूज़ उतार के जाते हैं, बहुत लंबा चलना पड़ता है इसलिए, पर बहुत मज़ा आया। तो आपको मैं बोलूँगी माता रानी का बुलावा आए, जल्दी से आप लोग जाओ, माता रानी हम सबकी मनोकामना पूरी करे। तो चलते हैं नीचे। फाइनली अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, मतलब कटरा आ चुकी हूँ। टोटल तो बताओ ना मेरे को 9 घंटे लगे, दोपहर 4 बजे तो मैंने चढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर नीचे जल्दी उतर जाते हो, अब नीचे का पता नहीं चलता आपको, नीचे तो मज़ा आता है, मतलब भाग भाग के उतरना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने बीच में ले ली वो मसाज वाली ना होती, वो चेयर पे बैठा देते हैं भाई साहब, उस पर तो उठने का मन ना करे, बट अच्छा था और बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत बहुत प्यारा ट्रिप रहा। माता रानी बुलावा भेजती रहे, सब कुछ अच्छे से होता रहे। तो टोटल 9 घंटे लगे मुझे चलने में, चढ़ने में और उतरने में। चढ़ने में थोड़ी सी हालत हो जाती है, बट उतरने में अच्छा लगता है आपको। तो अभी देखते हैं बस का या ट्रेन का वापसी का कैसे होता है। तो जय माता दी। हाल हो रखा है, बिल्कुल कोहरा हो रखा है, उतरने टाइम तो आपको पता ही नहीं चलता। हाय कितना प्यारा, अच्छा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें खरीदने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग कटरा की। अब यहाँ से मैं लूँगी ट्रेन, मैंने ट्रेन कर दी, ट्रेन का टाइम था नहीं, फिर मैं इतना रुक गई, मैंने सोचा कि सुबह ही चलते हैं ट्रेन से। तो यात्रा हमारी बहुत बहुत अच्छी थी ट्रेन से। ये बहुत प्यारा है, ये रहा मेरा सामान यहीं पर था। और ये पूरा चौक, कटरा का चौक बहुत प्यारा है, सुबह सुबह इतना खुल जाता है ना,
अभी अगर मैं बताऊँ टाइम तो 6 बजे, बट ये पूरा खुल चुका है। ये है कटरा स्टेशन, ठीक है, क्या मतलब अच्छा स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन थोड़ी सी मैं लेट हो चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरी फिज़िकल याद वो हो गई, काम आ गई फिज़िकल। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कटरा का रेलवे स्टेशन। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, तो यहीं पर ट्रेन है। और जाती हूँ मैं भाग के ना, क्योंकि अभी मुश्किल से शायद 10 मिनट ही बचे हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये इस पर कुछ लिखा ही नहीं है। और ये रहा फूड, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। देखते हैं हमारी छुप छुप गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। रेलवे स्टेशन हम आ चुके हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ढूंढी ढूंढी होने वाली है, फिर उसके बाद ट्रेन। ट्रेन ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन, हाँ ये कटरा से कहाँ जाएगी, हमें जामनगर ले जाएगी, पर जामनगर नहीं जाना है, अपने को जाना है दिल्ली। देखते हैं, हो चुकी है ट्रेन शुरू, हो चुकी है कटरा। तो स्लोली स्लोली स्पीड पकड़ेगी।